जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे धार्मिक ग्रंथों के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में, आज उस वैदिक सभ्यता में जो ग्रंथें लिखी गई थी, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, उन स्क्रिप्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि वो स्क्रिप्चर्स को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जो धार्मिक ग्रंथ, जो स्क्रिप्चर वैदिक सभ्यता में लिखे गए, उनको मुख्यतः दो पार्ट में बांट दिया जा सकता है। एक को कहा जा सकता है श्रुति, दूसरे को कहा जा सकता है स्मृति। श्रुति और स्मृति, इन दो पार्ट में हम ग्रंथों को बांट दिया गया है। जो श्रुति होता है, श्रुति का मतलब श्रोताओं द्वारा लिखी गई ग्रंथें, अर्थात अगर सिंपल वे में कहें तो वे ग्रंथें जो सामान्यतः ईश्वर द्वारा लिखी गई हैं, उनको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं, और वे ग्रंथें जो सामान्यतः ऋषियों महापंडितों द्वारा लिखा गया है, उनको हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। इन दोनों ग्रंथों में जो श्रुति होती है, श्रुति एबव लेवल पे आती है, और इससे जो थोड़ा सा छोटे होते हैं वो स्मृति होते हैं। तो श्रुति में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? श्रुति में आपका वेद आता है, आपका उपनिषद आता है। ऐसे ग्रंथ, वेद उपनिषद जैसे ग्रंथ किस में आते हैं? श्रुति में आते हैं। वहीं पे स्मृति की बात की जाए तो स्मृति में पुराण, महाभारत, रामायण, गीता जैसे ग्रंथ आते हैं। अब हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहले समझेंगे वेद के बारे में। वेद का बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। वेद के बारे में जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो वेद हैं, इनके बारे में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि सामान्यतः वेद चार होते हैं। सामान्यतः वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, और लास्ट होता है अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि हम लोगों को यहाँ प्रचंड वेद के बारे में अध्ययन नहीं करना है, हमें यहाँ से वही पढ़ना जो एग्जाम में आ सकते हों, तो इनको देखते हुए हम लोगों ने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला अगर हम लोग पढ़े ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद जैसे पता है ना आप सबको, वेदों को सामान्यतः किसने लिखा है? वेदों को महर्षि कृषि द्वैपायन वेदव्यास जी ने लिखा है। हालांकि जो वेद है ये श्रुति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर मान्यता आती है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनना है तो किसको चुना जाता है? महर्षि कृषि द्वैपायन वेदव्यास जी को। तो जो पहला है ऋग्वेद, ये ऋग्वेद सबसे पुराना है। चारों वेदों में सबसे अगर कोई पुराना वेद है तो कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, अर्थात कितने चैप्टर है ऋग्वेद में? तो 10 चैप्टर ऋग्वेद में है। अब इन 10 मंडलों में से जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, ये किसके बारे में जानकारी देता है? कृषि के बारे में देता है। जो ऋग्वेद का आठवां मंडल है, इसके समस्त लिखाओं के, जिसमें उसमें जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है, इस सातवें मंडल से दशराग का युद्ध, जो परुषणी रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी, उसके बारे में जानकारी मिलता है। ये दशराग का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो सुदास और दशजन। सुदास अर्थात एक आर्य थे, और दशजन भारत में रहने वाले सामान्यतः लोग थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और सुदास युद्ध में क्या हो गए थे? विजयी हो गए थे। इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद का सातवां मंडल देता है। इसी के साथ साथ शिक्षा के बारे में भी जानकारी चौथा मंडल देता है, सातवां मंडल देता है। और जो नौवां मंडल है, इस नौवें मंडल को सोम देवता को समर्पित किया गया है, और सोम रस के बारे में जानकारी नौवां मंडल देता है। और जो दसवां मंडल है, ये दसवां मंडल वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार वर्ण सामान्य होते थे, उनके बारे में कौन बताता है? ऋग्वेद का दसवां मंडल। इसके साथ साथ ऋग्वेद में टोटल कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। सामान्यतः जितने देवताओं को ग्रंथों में वर्णन किया गया है, इन देवताओं में पुरुष देवता की प्रधानता दिखाई गई है। दूसरा यहाँ पे वेद है सामवेद। सामवेद में क्या होता है? ये सामवेद संगीत को समर्पित है। भारतीय संगीत का अगर जनक किसी वेद को, किसी ग्रंथ को माना जाता है, तो सामवेद पहले नंबर पे आता है। क्योंकि सामवेद में ही संगीत की बात की गई है। सामवेद में ही सात स्वर, जैसे सा रे ग म प ध नि, ये किसके बारे में, कहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है? सामवेद से इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। अब यजुर्वेद की बात कर लें, तो यजुर्वेद को दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, एक को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो था वो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा रहता था। पद्य मतलब पोएट्री और लिटरेचर दोनों में लिखे रहते थे। कौन? कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद था, शुक्ल यजुर्वेद केवल और केवल किस में लिखे रहते थे? पद्य में लिखे रहते थे, अर्थात पोएट्री में लिखे रहते थे। अब देखिए, जो कृष्ण यजुर्वेद था वो सामान्यतः दक्षिण भारत में ज्यादा फैला।
अब चूंकि हमें ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में सामान्यतः लोग पद्य केवल अगर लिखा होता तो समझने में कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती, इसलिए उस ग्रंथ को शायद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था और शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखा गया था। वहीं अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो यहाँ पे एक गौर करने की बात है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों एक ही टाइम में लिखे गए थे, एक ही काल में लिखे गए थे। वो आपको बताया गया है ना कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ये तीनों लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इन तीनों ग्रंथों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो चारों विकल्प रहेगा, आपको लगा देना आंसर डी अथर्ववेद। इसके साथ साथ जो अथर्ववेद लिखा गया इनको अथर्व ऋषि ने लिखा था, ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, और ये अथर्ववेद जो है ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो अथर्ववेद में बताया गया कि अगर स्त्री पैदा होती है, कन्या पैदा होती है, तो उसकी निंदा की जाती है। ये किसमें लिखा गया है, अथर्ववेद। जादू टोना के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद के बारे में। अंधविश्वास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद। सोना चांदी के बारे में जानकारी अथर्ववेद से मिलती है, और तंत्र मंत्र की भी जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। इन सभी के बारे में वेद से सामान्यतः जो क्वेश्चन आ सकते थे यहाँ पे कुछ पॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ अब वेद के कितने अंग होते हैं, कितने उपांग होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस ग्रंथों से जो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है, जो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं, उनको होत्री कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद आप जैसे ही खोलेंगे तो ऋग्वेद को जो पहला मंत्र मिलेगा ऋग्वेद में, वह उसकी शुरुआत होगी ओम अग्नि मिले। तो क्वेश्चन आता है किस ग्रंथ की शुरुआत अग्नि से होती है, तो ऋग्वेद से ही होती है। ऋग्वेद का पुरोहित किसे कहते हैं, तो जो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं उनको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद कहलाता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो दो हैं, ऐत्रेय और कौस्तकी, और जो इनके इनके प्रवर्तक हैं वो प्रजापति को माना गया है। दूसरा है सामवेद, सामवेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सामवेद के प्रचंड होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का जो उपवेद होता है वो गंधर्व वेद कहलाता है, ये गंधर्व वेद संगीत से संबंधित है। और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो चार हैं, पंचविश, जैमिनी, छांदोग्य और षड्विश, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो नारद हैं। तीसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो उपवेद, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं पढ़ने वाले उनको अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो धनुर्वेद कहलाता है, धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो है। अब चूंकि यजुर्वेद दो है, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ग्रंथ है, और जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तरीय उपनिषद है। इसके साथ साथ जो यजुर्वेद इसको लिखने वाले हैं, इस शतपथ ब्राह्मण तैत्तरीय को, उनका नाम विश्वामित्र है। इसके साथ साथ देखते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं पढ़ने वाले उनको ब्रह्मा कहा जाता है, और अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो अथर्ववेद हैं, और जो अथर्ववेद के क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है, और अथर्ववेद के जो लिखने वाले हैं, इसके लिखने वाले हैं गोपथ के, उनका नाम है विश्वकर्मा। उम्मीद करते हैं आपको ये वेद के बारे में समझ में आया होगा। अब वेद से जितने भी क्वेश्चन सामान्यतः आने वाले थे या आने की संभावना थी उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब हम स्मृति की तरफ बढ़ते हैं और ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं अब वेदों के कितने अंग, कितने उपांग होते हैं। तो वेदों के मुख्यतः छह अंग होते हैं, जैसे पहला है छंद, दूसरा है कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। तो क्वेश्चन आता है कि वेदों का पैर कौन है, वेद चार होते हैं, वेदांग या उपवेद छह होते हैं, ये हैं। तो क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद या वेद का छंद जो है ये ऋग्वेद का क्या है, तो छंद ऋग्वेद का पैर कहलाता है। अर्थात क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद का पैर किसे कहते हैं, तो छंद कहते हैं। ऋग्वेद का नेत्र किसे कहते हैं, तो ज्योतिष को कहते हैं। ऋग्वेद का हाथ किसे कहते हैं, तो कल्प को कहते हैं। ऋग्वेद का कान किसे कहते हैं, तो निरुक्त को कहते हैं। ऋग्वेद का नाक किसे कहते हैं, तो शिक्षा को कहते हैं। ऋग्वेद का मुख किसे कहते हैं, तो व्याकरण को कहते हैं। ये ऋग्वेद के उपवेद हैं और ये उनके सामान्यतः नाम दिए गए हैं। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है गायत्री मंत्र के बारे में।
गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं धर्मो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी चर्चा किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसके साथ साथ कुछ वर्ड कुछ लाइन है जो किसी न किसी वेद उपनिषद से लिए गए हैं, वो भी क्वेश्चन में आते हैं। आप सबको पता है वेद चार होते हैं, उपवेद छह हो जाते हैं, और जो उपनिषद होते हैं वो 108 हैं, पुराण है 18 होते हैं। तो वहां से जो उपनिषद पुराण से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की विजय हो। उसके बाद है जो मोदी जी बहुत वर्ड यूज करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये भी उपनिषद है। एक उपनिषद का नाम है महोपनिषद। तो महोपनिषद से क्या लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है। इसके साथ साथ अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहां से लिया गया है? तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देवो भव ये भी कहां से लिया गया है? उसी तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। इसके साथ साथ जो है सर्वे भवन्ति सुखिनः ये कहां से लिया गया है? तो एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, वहां से लिया गया है। इसके साथ साथ देखें तो एक नचिकेता यम का संवाद डिबेट चलता है उसके बारे में। नचिकेता एक व्यक्ति है और यम मतलब यमराज, तो नचिकेता यम के पास जाता है और यमराज से मृत्यु वगैरह के रहस्य के बारे में पूरा संवाद करता है। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? कठोपनिषद से मिलती है। और निष्काम कर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी जो गीता में जिसका वर्णन है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ईशोपनिषद से मिलती है। इसके साथ साथ जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। लेकिन पुनर्जन्म के बारे में स्पष्ट वर्णन हमें भगवद गीता से मिलती है ना, उसमें मंत्र यदा यदा ही धर्म से महान उन्नति भारत वाला, तो वहां से पुनर्जन्म की अवधारणा हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। क्वेश्चन है पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। लेकिन स्पष्ट रूप से किसमें मिलती है सर्वप्रथम? तो गीता में मिलती है। इसके साथ साथ राजस्व का सिद्धांत सर्वोत्तम ऐतरेय ब्राह्मण में आया था और भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वोत्तम श्वेताश्व उपनिषद में हुआ था। और चार आश्रम जो है ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, सवाल आश्रम, तो ये चार आश्रम किसके कहां जिक्र है इसका? तो जावालोपनिषद में ये इनके बारे में जिक्र किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इन सब के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं महाभारत और रामायण से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको पढ़ते हैं। महाभारत और रामायण से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं रामायण। रामायण को किसने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग रामायण और महाभारत को सीरियल के तौर पे देखा होगा, तो इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होगा आप लोगों को। तो रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण को कितने अध्याय हैं? रामायण में 7 अध्याय हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। उन 7 कांड के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे जो पहला कांड है उसका नाम है बाल कांड, और जो दूसरा कांड है उसका नाम है अयोध्या कांड, जो तीसरा कांड है वो अरण्य कांड है, और जो चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड है, जो पांचवा कांड है वो सुंदर कांड है, जो छठा कांड है वो लंका कांड है, और जो सातवां है उसका नाम उत्तर कांड है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बाल कांड है इसमें ये सभी कांड में सबसे बड़ा कांड कौन सा कांड है? बाल कांड। इसमें जाहिर सी बात है बाल मतलब राम जी लक्ष्मण जी के बारे में बाल्यावस्था में उनकी जानकारी किसके बारे में मिलती है, कहाँ से मिलती है? बाल कांड से मिलती है। और पूरे 7 कांड में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। अयोध्या कांड में अयोध्या के बारे में जानकारी, और अरण्य कांड में जब वनवास जाते हैं उनकी जानकारी मिलती है, किष्किंधा कांड में जब सीता जी का हरण हो जाता है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और 7 कांड में सबसे छोटा कांड कौन सा है? यही किष्किंधा कांड है। और जो सुंदर कांड है, ये सुंदर कांड जब लंका पे जाते हैं, कौन? हनुमान जी जाते हैं लंका पे, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो छठा कांड लंका कांड है ये खुद श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर कांड ये 7 कांड के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम महाभारत देखें तो महाभारत को किसने लिखा था? वेदव्यास जी ने लिखा था। महाभारत में टोटल 18 चैप्टर थे। और महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? जय सहिंसा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का ही अंग कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता है, जिसमें टोटल कितने खंड हैं? 18 खंड का चर्चा किया गया है। देखिए महाभारत हमें क्या सिखाती है और रामायण हमें क्या सिखाती है इसके बारे में देखें तो अगर एक शब्द में कहना हो, एक दो सेंटेंस में कहना हो, तो कहा जा सकता है कि रामायण हमें बताती है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए और महाभारत बताती है जिंदगी कैसा हो जाता है। यही बेसिक डिफरेंट अगर कहा जाए बहुत कम शब्दों में तो यही हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो कहा जाता है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है इसके बारे में चर्चा कहाँ पे दिया गया है? तो इसके बारे में चर्चा एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसके उस ग्रंथ में किसकी चर्चा की गई है? अर्धांगिनी। किसको? स्त्री को। पुरुष का क्या बताया गया है? अर्धांगिनी बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके पूछिए, बाकी शेयर वगैरह कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।